तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सन 1857 की क्रांति की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिसने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। आज हम जानेंगे कि लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई, किन हालातों में वह युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। हम उनके कुछ अंतिम क्षणों का वर्णन करेंगे। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रोड्रिक ब्रिक्स पहला ऐसा शख्स था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए देखा था। रोड्रिक ब्रिक्स कहते हैं कि उन्होंने घोड़े की रस्सी अपने दांतों में दबाई हुई थी और दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। उनसे पहले एक और अंग्रेज जॉन लैंग को रानी लक्ष्मीबाई को नजदीक से देखने का मौका मिला था, लेकिन लड़ाई के मैदान में नहीं, उनके हवेली में। जब दामोदर के गोद लिए जाने को अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का अपना महल छोड़ना पड़ा था। उन्होंने एक 3 मंजिल की साधारण सी हवेली रानी महल में शरण ली थी। रानी ने जॉन लैंग की सेवाएं ली, जिसने हाल ही में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ केस जीता था। लैंग का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वह मेरठ में एक अखबार मुफस्सलाइट निकाला करते थे। लैंग हिंदी और फारसी भी काफ़ी अच्छी तरह से बोलते थे। ब्रिटिश सरकार उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह हमेशा उन्हें घेरने की कोशिश करते थे। जब लैंग पहली बार झांसी आए तो उसे लाने के लिए रानी ने एक घोड़े का रथ आगरा रवाना किया था, जिसके साथ उसने अपने एक सिपाही और अपने दीवान को भी भेजा था। सिपाही के हाथ में बर्फ से भरी बाल्टी थी, जिसमें पानी, बियर और कुछ चुनिंदा वाइन्स की बोतलें भी थी। पूरे रास्ते एक नौकर लैंग को पंखा करते हुए आया था। झांसी पहुंचने पर लैंग को कुल 50 घुड़सवार पालखी में बैठा कर रानी महल लाए थे, जहां के बगीचे में रानी ने एक शामियाना लगाया था। रानी लक्ष्मीबाई शामियाने के एक कोने में पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। तभी अचानक रानी के दत्तक पुत्र दामोदर ने वो पर्दा हटा दिया। लैंग की नज़र रानी पर गई। बाद में रेनर जराश ने किताब लिखी, द रानी ऑफ झांसी रिबेल अगेंस्ट विल। इस किताब में रेनर जराश ने लैंग को कहते हुए बताया कि रानी एक मध्यम कद की तगड़ी महिला थी। अपने युवावस्था में उनका चेहरा बहुत सुंदर हुआ करता था, पर अब भी उनके चेहरे का आकर्षण कम नहीं था। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी नहीं लगी, वो था उनका चेहरा जरूरत से ज़्यादा गोल था। हाँ, उनकी आँखें बहुत सुंदर थी और नाक भी काफ़ी नाजुक थी। उनका रंग बहुत गोरा नहीं था, उन्होंने एक भी जेवर नहीं पहना था सिवाय सोने की बालियों के। उन्होंने सफ़ेद मलमल की साड़ी पहन रखी थी। जो चीज़ उसके व्यक्तित्व को थोड़ा बिगाड़ती थी वो थी उनकी फटी हुई आवाज़। अब चलते हैं युद्ध के मैदान की तरफ, जहाँ पर कैप्टन रोड्रिक ब्रिक्स ने तय किया कि खुद आगे जाकर रानी पर हमला करेगा। लेकिन जब जब वह ऐसा करना चाहता था, रानी के घुड़सवार उन पर हमला कर देते थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि वह उसका ध्यान भंग कर सके। कुछ लोगों को मारने के बाद रोड्रिक रानी की तरफ आगे बढ़ा। उसी समय अचानक रोड्रिक के पीछे से जनरल रोज की अत्यंत ही निपुण ऊँट की टुकड़ी ने एंट्री ली। उस टुकड़ी को अंग्रेज रिजर्व में रखते थे और जब भी हार की कगार में होते थे तब उसका इस्तेमाल करते थे। इस टुकड़ी के मैदान में एंट्री लेने पर अंग्रेजों की सेना में फिर से जान आ गई। रानी इसे फौरन भाप गई। उनके सैनिक मैदान से भागे नहीं, पर धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी। उस लड़ाई में भाग ले रहे जॉन हेनरी सिल्वेस्टर ने अपनी किताब रिकलेक्शन ऑफ कैंपेन इन मालवा एंड द सेंट्रल इंडिया में लिखा, अचानक रानी जोर से चिल्लाई कि मेरे पीछे आओ, और 15 घुड़सवार का जत्था उसके पीछे हो लिया। वो लड़ाई के मैदान से इतनी तेजी से हटी कि अंग्रेजों को उसे समझने में थोड़ा वक्त लगा। अचानक रोड्रिक ने अपने सिपाही को चिल्ला के कहा, दैट्स द रानी ऑफ झांसी, कैच हर।
रानी और उनके साथियों ने एक मील का ही सफर तय किया था कि कैप्टन रोड्रिक के सिपाही उसके पीछे आ पहुंचे। जगह थी कोटा की सराय। लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई। रानी का एक एक सिपाही अंग्रेजों के दो दो सैनिकों से लड़ रहा था। अचानक रानी को अपने बाएं हिस्से में दर्द महसूस हुआ। यह सिपाही जिसे वो देख नहीं पाई थी उसने पीछे से रानी को संगीन भोंक दी। वो तेजी से मुड़ी और अपने ऊपर हमला करने वाले के ऊपर पूरी ताकत से टूट पड़ी। रानी को लगी चोट बहुत गहरी नहीं थी पर उसमें तेजी से बहुत खून बह रहा था। अचानक दौड़ते दौड़ते उसके सामने एक पानी का झरना आ गया। उन्होंने सोचा कि वो घोड़े की एक छलांग लगाएगी और घोड़ा झरने के पार हो जाएगा, तब उन पे कोई वार नहीं कर पाएगा और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। उन्होंने घोड़े पर एड लगाई और घोड़े ने छलांग लगाने की वजह इतनी तेजी से रुका कि वो करीब करीब उसकी गर्दन के ऊपर लटक गई थी। उसने फिर से एड लगाई और घोड़े ने एक इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस युद्ध में रानी का घोड़ा भी नया था क्योंकि रानी का घोड़ा राजरतन पिछले युद्ध में मारा गया था। तब अचानक उसे लगा कि उसकी बाई और किसी ने तेजी से वार किया। उनको राइफल की एक गोली लग गई थी। रानी की बाएं हाथ की तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। उन्होंने उस हाथ से अपने कमर से निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की। तब तक एक अंग्रेज रानी के बगल में पहुंच चुका था। उसने वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए अपने दाहिने हाथ की तलवार ऊपर उठाई, पर उस अंग्रेज की तलवार उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका माथा फट गया और वह उससे निकलने वाले खून से लगभग अंधी हो गई। तब भी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज पर जवाबी हमला किया, पर वह सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाई और रानी घोड़ी से नीचे गिर गई। तभी उनके एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर उनको अपने हाथों में उठा लिया और पास के ही एक मंदिर में ले आया। रानी तब तक जीवित थी। मंदिर के पुंजारी ने रानी के सूखे होठों पर गंगा जल लगाकर उसे तर किया। रानी बहुत तरह घायल हो चुकी थी और बहुत बुरी हालत में थी। धीरे धीरे वह अपने होश खो रही थी। उधर मंदिर के अहाते के बाहर लगातार फायरिंग चल रही थी। अंतिम सैनिक को मारने के बाद अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। तभी रोड्रिक ने चिल्लाकर कहा कि वो लोग मंदिर के अंदर गए हैं, उन पर हमला करो, रानी अभी भी जिंदा है। उधर पुंजारी ने रानी के लिए अंतिम प्रार्थना शुरू कर दी थी। रानी की एक आंख अंग्रेज सैनिक के कटार लगने के कारण बंद थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंख को खोला। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और उनके मुंह से रुक रुक के शब्द निकल रहे थे। दामोदर, दामोदर, मैं उसे तुम्हारी निगरानी में सौंपती हूँ। उसे छावनी ले जाओ, दौड़ो, उसे ले जाओ। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। पुजारी ने उनके गले से वो हार निकाला और उसके अंगरक्षक को देते हुए कहा, यह दामोदर के लिए है। रानी की सांसें तेजी से चलने लगी। उनकी चोट से खून निकल के उनके फेफड़ों तक घुस रहा था। धीरे वो डूबने लगी थी। अचानक जैसे कि उसमें फिर से जान आई और वह बोली, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। उनका शरीर एक और लुढ़क गया और उनकी सांस में एक और झटका आया और सब शांत हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे और वह वीरगति को प्राप्त कर गई थी। वहां मौजूद रानी के सैनिकों ने आनंद फानन में लकड़ियां जमा की और उन पर रानी के पार्थिव शरीर को रखा और उसको आग लगाकर अंतिम संस्कार की विधि की। उनके चारों तरफ राइफल की गोलियों की आवाज बढ़ रही थी। मंदिर की दीवार के बाहर अब तक सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक पहुंच गए थे और मंदिर के अंदर से सिर्फ 3 राइफलें अंग्रेजों की तरफ गोलियां चला रही थी। सबसे पहले एक राइफल शांत हुई और दूसरी, फिर तीसरी। तीसरी राइफल के शांत होते ही वहां पर सन्नाटा छा गया। जब अंग्रेज मंदिर के अंदर घुसे तो वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सब शांत था। सबसे पहले कैप्टन रोड्रिक अंदर घुसे। वहां रानी के सैनिक तथा पुजारी के कई रक्त रंजित शव पड़े हुए थे। एक भी आदमी जीवित नहीं बचा था। उन्हें सिर्फ एक ही लाश की तलाश थी। तब उनकी नजर एक चिता पर पड़ी
जिसकी लपटें अब धीमी पड़ रही थी। गुस्से में अपने बूट से उस आग को मचलने की कोशिश की, तभी उसे मानव शरीर के कुछ जले हुए अवशेष दिखाई दिए। इस तरह 17 जून 1858 को कोटा की सराय के पास ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई। 2 दिन बाद जयाजीराव सिंधिया ने इस जीत की खुशी में जनरल रोज और सर रॉबर्ट के हैमिल्टन को ग्वालियर में भोज दिया। रानी की मौत के साथ ही आजादी के दीवानों का साहस टूट गया और ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। नाना साहब वहां से बच निकले। तात्या टोपे के साथ उनके अभिन्न मित्र नवाड़ के राजा ने गद्दारी की। तात्या टोपे पकड़े गए और उन्हें ग्वालियर के पास शिवपुरी ले जाकर एक पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया। इस लड़ाई के बाद रानी के कुल 60 विश्वास पात्र ही जिंदा बच पाए। दामोदर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई के सारे विश्वास पात्र को अंग्रेजों ने खत्म करने का ऑर्डर जारी कर दिया। सारे लोग भूमिगत हो गए। 2 साल तक जंगलों में भटकते रहने के बाद रिसालेदार नन्हे खान ने अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट से बात की। उन्होंने मिस्टर फ्लिक्स से कहा कि रानी साहिबा का बच्चा अभी सिर्फ 9-10 साल का है। रानी साहिबा के बाद उन्हें जंगलों में जानवरों जैसी जिंदगी काटनी पड़ रही है। बच्चे से तो सरकार का कोई नुकसान नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए, सारा मुल्क आपको दुआएं देगा। फ्लिंक्स एक दयालु आदमी थे। उन्होंने सरकार से हमारी पैरवी की। बाद में 5 मई 1860 को दामोदर राव को इंदौर में 10 लाख सालाना पेंशन अंग्रेजों ने बांध दी। उन्हें सिर्फ 7 लोगों को अपने साथ रखने की इजाजत दी। ब्रिटिश सरकार ने 7 लाख रुपये लौटाने से भी मना कर दिया। दामोदर राव के असली पिता की दूसरी पत्नी ने उन्हें बड़ा किया। 1879 में उन्हें एक लड़का लक्ष्मण राव हुआ। 1906 में 58 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार वाले आज भी इंदौर में झांसी वाले सरनेम के साथ रहते हैं। रानी का इकलौता भाई चिंतामणि राव तांबे भी था। तांबे परिवार इस समय पुणे में रहता है। ज्ञान गुण सागर जय कपीर सती लोक उजागर।